इंसान के मुंह में कुछ ऐसे जरासीम भी होते हैं जो ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करने से दूर नहीं होते, बल्कि इनको सिर्फ मिसवाक से ही दूर किया जा सकता है। तिब और मेडिकल साइंस का कहना है कि मिसवाक से दिमाग को न सिर्फ कुव्वत मिलती है बल्कि इसमें तेजी भी आती है। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर कहते हैं कि बाज ऐसे मरीज होते हैं जो कानों के वर्म, पीप और दर्द में मुब्तला होते हैं और महंगे से महंगा इलाज करवाने के बावजूद इन्हें तकलीफ से निजात नहीं मिलती। जब अच्छी तरह ऐसे मरीजों की तशखीस की जाती है तो मालूम होता है कि इनके मसूड़ों में पीप पड़ गई है और सारा मुंह ताफुन से भरपूर है। जब मसूड़ों का इलाज किया जाता है और इन्हें बाकायदगी से मिसवाक करने के लिए कहा जाता है तो साथ ही कान भी बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हैं। इसी तरह आंखों की बीमारियों और नजर के इमराज में भी दांतों की अदम सफाई का बड़ा अमल दखल होता है। कमजोर बिनाई के मरीजों में मुतअद्दद मरीज ऐसे होते हैं जिनके मर्ज के दीगर असबाब के अलावा दांतों के बारे में इनकी गफलत सबसे बड़ा सबब होती है। माहरीन के तजुर्बा से ये बात तहकीक शुदा है कि तकरीबन 80% अमराज की वजह मैदा और दांतों के नुक्स और बीमारियां होती हैं। इसी वजह से आजकल हर तीसरा शख्स मैदे के मर्ज में मुब्तला है। ख्वातीन हज़रात, तहकीकों तजुर्बा से ये बात साबित हो चुकी है कि जो टूथब्रश एक दफा इस्तेमाल हो जाए इसमें जरासीम की तह जम जाने के बायस दोबारा इस्तेमाल करने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। माहिरीन का कहना है कि पानी से साफ करने के बावजूद वो जरासीम साफ नहीं होते और अपनी नशोनुमा बरकरार रखते हैं। मजीद यह कि ब्रश के इस्तेमाल से दांतों के ऊपर वाली चमकीली और सफेद तह उतर जाती है, यूं दांतों के दरमियान खला पैदा हो जाता है और दांत मसूड़ों की जगह छोड़ते जाते हैं। लिहाजा गिजा के जो जर्रात दांतों के खला में फंसते रहते हैं वो दांतों के लिए नुकसानदेह होते हैं और बिलाखिर सारे जिस्म में बीमारियों का बायस बनते हैं। इसलिए इन मुसीबतों से बचने के लिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कीजिए, यानी मिसवाक का इस्तेमाल सुबह शाम मुतवातर कीजिए और तंदुरुस्ती कायम रखिए। नाज़रीन इकराम, इससे ज्यादा आसान और कौन सा मजहब हो सकता है जो आपकी सफाई को ही आपका निसफ ईमान करार देता हो। आपसे गुजारिश है कि खुद भी मिसवाक करें और अपने दोस्तों को भी तलकीन करें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिर्दोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।